बसमिल आज हम पेपर टू सॉल्व करेंगे एसएसटी मैथमेटिक्स का पेडागोजी पोर्शन पेपर टू पार्ट वन क्वेश्चन नंबर वन है कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ अ फॉर्म ऑफ बिहेवियरिज्म कॉग्निटिविज्म कंस्ट्रक्टिविज़्म कनेक्टिविज्म ये तीनों चारों ऑप्शन कुछ ना कुछ मिलते जुलते हैं बट जो इनमें से बेस्ट ऑप्शन है वो हमने चूज़ करना है कंस्ट्रक्टिविज़्म है या हमें न्यायालय कंस्ट्रक्ट करना होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में क्वेश्चन नंबर टू इन लेसन प्लानिंग द कवरिंग शीट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जो कवरिंग शीट होती है उसमें इंट्रोडक्शन होता है ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर थ्री आई क्यू लेवल ऑफ स्लो लर्नर फॉल्स इन द रेंज ऑफ जो स्लो लर्नर है उसका आई क्यू होता है सेवेंटी टू एटी और जो डल रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनका फोर्टी टू सेवेंटी होता है यहाँ ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त ऑप्शन है कंसेप्ट आर इमेज आइडियाज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स वर्ड्स कंसेप्ट हैं उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त ऑप्शन है सोशल साइंसेज आर आल्सो कॉल्ड हार्ड साइंसिस नेचुरल साइंसिस सॉफ्ट साइंसिस एंड प्योर साइंसिस प्योर साइंस तो हो नहीं सकती हार्ड साइंस हो नहीं सकती या तो सॉफ्ट साइंस है या फिर नेचुरल साइंस है तो मेरे मुताबिक नेचुरल साइंस को सोशल साइंस कहा जाता है और मुख्तलिफ बुक्स में साफ्ट साइंस भी कहा गया है सोशल साइंस को क्वेश्चन नंबर सिक्स अ गुड प्रेजेंटेशन मस्ट एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग सेक्वेंस्ड जो अच्छी प्रेजेंटेशन है उसमें एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए इंटरेस्ट भी उसमें होनी चाहिए स्टूडेंट की एग्जांपल्स के साथ जो होती है वो भी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है बट जो इन चारों में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सेक्वेंसड एक तरतीब से होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर सेवन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वॉज प्रेजेंटेड बाई फ्रेडरिक डब्ल्यू टाइलर फ्रेडरिक डब्ल्यू टाइलर ने इसको प्रेजेंट किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त ऑप्शन है साइंटिफिक मैनेजमेंट हैड डैश प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के चार प्रिंसिपल हैं ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर नाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ आउटलाइन ऑफ अ थिंग्स दैट मस्ट बी अकम्पलिस्ड एंड द मेथड ऑफ अकम्पलिशमेंट इज कॉल्ड स्टॉफिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टिंग दुरुस्त ऑप्शन है डायरेक्टिंग किसको कहा जाता है डायरेक्टिंग इज सेड टू बी अ प्रोसेस इन विच द मैनेजर इंस्ट्रक्ट गाइड एंड ओवरसी दफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी डी है ये दुरुस्त ऑप्शन है क्योंकि ये जो पीछे चीज प्री डिटरमाइन हो चुकी है उसको आ, उसको डेवलप करना है तो ये डायरेक्टिंग आएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर टेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर अथॉरिटी इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चन नंबर टेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड प्लानिंग स्टॉपिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग ये चारों मैनेजमेंट के फंक्शन हैं प्लानिंग स्टॉफिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग इन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है अब ऑर्गेनाइजिंग किसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व असाइनिंग टॉस्क ग्रुपिंग टॉस्क इन टू डिपार्टमेंट्स डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर इलेवन अक्रम ऑफ पी ओ एस डी सी ओ आर बी वॉज कॉइन बाई टाइलर गुलिक फाइल वेबर टाइलर तो हो नहीं सकता टाइलर ने मैनेजमेंट के कोई प्रिंसिपल नहीं बताए वेबर ने भी नहीं बताए या गुलिक है या फिर फाइल है तो जो फाइल है इन्होंने फाइव प्रिंसिपल बताए मैनेजमेंट के पी ओ सी 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 और गुलिक ने 1964 में 14 प्रिंसिपल बताए और जो एब्रीवेशन उन्होंने बताया वो बताया पी ओ एस डी सी ओ आर बी ऑप्शन नंबर सी दोस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द डिग्री टू विच कॉमन पर्पज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव्ड इन टर्म एज गोल एफिशंसी एफेक्टिवनेस कंट्रोलिंग गोल ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त ऑप्शन है उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन करिकुलम रेफर्स टू द मीन्स एंड मटेरियल्स विद विच स्टूडेंट्स अचीव सोशल आउटकम फाइनेंशियल आउटकम एक्सरसाइज एजुकेशनल आउटकम एजुकेशनल आउटकम ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त ऑप्शन है कोर्स आउटलाइन आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ओवरऑल प्लान ऑफ कोर्स मेथड ऑफ टीचिंग मेथड ऑफ रीडिंग कंप्लीट एक्सरसाइज ओवरऑल प्लान ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त ऑप्शन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज़ मोडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिकल वर्क स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ओवरऑल डेवलपमेंट एक्टिविटी जब होती है तो उसमें स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट भी होती है ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती है ट्रेनिंग भी होती है, है प्रैक्टिकल वर्क भी होते हैं इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी ऑल ऑफ द अबव दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन The curriculum development refers to the total process of curriculum designing, evaluating, implementing all of the above. Option number D दूसरा ऑप्शन है. The value of the curriculum can be checked through curriculum की जो value है वो किस तरह चेक की जाती है कि वो मैं तरफ teaching से चेक की जाती है, discussion से चेक की जाती है, test से चेक की जाती है. इवेल्यूएशन से चेक की जाती है ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त ऑप्शन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद डैश एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जब कॉग्निटिव की बात आए तो उसमें ब्रेन प्रोसेस मेंटल प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस की बात होती है इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त ऑप्शन है प्याजे सजेस्ट दैट देर और डैश स्टेजिज इन कांगनेटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन फोर स्टेजेस प्याज ने सेंसरी प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशन ये इस तरह के चार स्टेजेस बताए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ बोन्स एक अडल्ट जो यंग आदमी है उसमें हड्डियों की तादाद दो सौ छः होती है ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त ऑप्शन है डैश प्रेजेंटेड द व्यू दैट प्लेर इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथिंग इमेजनरी पावर ऑफ आर चाइल्ड प्याजे फ्राइड रॉबर्ट ब्राउनिंग वाइगॉसकी डैश प्रजेंटेड द व्यू ऑफ व्यू दैट प्ले इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेंथिंग इमेजनरी पावर ऑफ अर चाइल्ड ये फ्राइड ने कहा था फ्राइड सिगमर फ्राइड की एक मैंने शॉर्ट से वीडियो भी बनाई हुई है दस मिनट की अगर आप मजीद इस एम सी क्यूज को क्लियर करना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं साइकोलॉजी की प्ले लिस्ट में ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त ऑप्शन है इसके बाद मोटिवेशन हैज़ डैश एलिमेंट मोटिवेशन के तीन एलिमेंट होते हैं ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त ऑप्शन है इन नॉर्म रेफरेंस अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इज़ कम्पेयरड टू नॉर्म रेफरेंस में चाइल्ड की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह कंपेयर की जाती है क्या किया जाता है मेंबर ऑफ़ हिज़ ग्रुप मेंबर ऑफ हिज जूनियर ग्रुप हिज ऑन एबिलिटी अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स मेंबर ऑफ़ हिज ग्रुप्स उसके अपने ग्रुप्स में उसको कंपेयर किया जाता है नॉर्म रेफरेंस में यानी कि इंडिविजुअल्स का कंपेयर किया जाता है ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त ऑप्शन है एन हाइपोथेसिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस असल में बे दावा बेदलील दावा को कहा जाता है स्टेटमेंट विच सर्व्स एज अ बेसिस फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो कि हम पहले किसी चीज़ का दावा करते हैं कि ये दुरुस्त है किसी चीज़ को दुरुस्त मानने के बाद उसके ऊपर आप नेक्स्ट वर्क करते हैं और अपना वर्क कंप्लीट होने के बाद करने के बाद देखते हैं कि जो हमने दावा किया था जिस चीज़ को हमने दुरुस्त माना था वो दुरुस्त है या नहीं तो अगर वो ठीक हमारा रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं कि जो चीज़ हमने दुरुस्त मानी हुई थी हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो ठीक थी नहीं तो अदरवाइज उसको नेगलेक्ट कर देते हैं छोड़ देते हैं ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच साइंटिफिक मैथड इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच डिडक्टिव ऊपर से हम नीचे आते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव इंडक्टिव जो मेथड है ये छोटी क्लासेस में दिया जाता है छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल एलिमेंट्री लेवल तक इसको पढ़ाया जाता है इस मेथड को यूज़ किया जाता है जबकि डिडक्टिव जो मेथड है हम किसी चीज़ से किसी चीज़ को कागज करते हैं को निकालते हैं हम कोई अपना राय कायम करते हैं तो डिडक्टिव मेथड इज टॉप डाउन ऊपर से हम नीचे आते हैं ये ऑप्शन नंबर ए दुरुष्ट मेथड है इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन डैश इज़ आ स्टेटिस्टिकल इंडेक्स विच डिस्क्राइब्स द डिग्री एंड डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल को रिलेशन को रिलेशन असल में क्या होता है टी टेस्ट तो हो नहीं सकता डिग्रेशन हो नहीं सकता मीन हो नहीं सकता को रिलेशन में क्या होता है कि किसी एक को क्वान्ट, दो क्वान्टिटी को आपस में को रिलेट किया जाता है कि किसी एक के बढ़ने से या किसी एक के घटने से दूसरी क्वान्टिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है तो ये क्या आएगा को रिलेशन इज अ स्टेटिस्टिकल इंडेक्स विच डिस्क्राइब द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच टाइप ऑफ रिसर्च प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि किस में स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे एविडेंस किस में होते हैं ज़ाहिर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो हो नहीं सकती हिस्टोरिकल रिसर्च तो हम पास्ट की बात करते हैं वो हो नहीं सकती नन ऑफ द अबव इसको भी देख लेते हैं आगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तजुर्बा करते हैं जो चीज़ हम तजुर्बे के बाद साबित करने के बाद किसी चीज़ को दुरुस्त मानते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस होता है ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन रिसर्च दैट इज़ डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट इज़ नाउन एज हिस्टोरिकल रिसर्च ये जाहिर सी बात है जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ वो कौन सी वो हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं यहाँ ऊपर रिसर्च में है रिसर्च कौन सी रिसर्च जिसमें हम पास्ट इवेंट को डिस्कस करते हैं पास्ट इवेंट की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वट इज़ अपोजिट ऑफ वेरिएबल वेरिएबल का अपोज़िट कॉन्स्टेंट होता है तो ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त ऑप्शन है